अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज बनाएंगे पार्टी की स्पेशल रेसिपी जिसे आप बहुत ही जल्दी और एकदम बाज़ार वाली टेस्ट या फिर उससे भी ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं। इस न्यू ईयर की पार्टी में बच्चों के लिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आप लोग को बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। या फिर कोई गेस्ट आए तो उनके लिए भी बनाकर आप दे सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद आएगा और आपकी तारीफ तो ज़रूर से ज़रूर करेंगे वो। तो इस क्रिस्पी और क्रंची रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, आप लोगों को बेहद पसंद आएगा और टेस्ट भी उतना ही है। तो चलिए इस रेसिपी को ट्राई करिए, उसके लिए फुल वीडियो देखिए। तो सबसे पहले मैंने लिया है चिकन, तो मैंने बोनलेस चिकन लिया है और इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और जैसे कि देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे पीस में इसको कट कर लिया है। तो इस तरीके से आप इसको कट कर लीजिए और बोल में डालने के बाद अब इसे हम मैरिनेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम डालेंगे इसमें, मैंने लिया है दही, तो 3-4 टेबलस्पून के करीब मैंने लिया है दही डालेंगे इसके अंदर। और इसके बाद अदरक का पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस जगह पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें जीरा पाउडर डाल देंगे इसमें 1 टेबलस्पून के करीब। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर 1 टीस्पून के करीब डालेंगे इसके अंदर। और इसके बाद हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर 2 टीस्पून के करीब डालेंगे इसके अंदर पेपरिका पाउडर, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस जगह मिर्ची पाउडर या फिर चिल्ली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून के करीब डालेंगे गरम मसाला पाउडर। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर सॉस डालेंगे, तो ये मैंने 2 बड़े चम्मच मैंने लिया है टमाटर सॉस, तो ये नॉर्मल टमाटर सॉस है वो डाल देंगे। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर मैंने लिया है 1 नींबू का रस, वो डाल देंगे इसके अंदर, तो इससे बहुत ही अच्छा खट्टापन आता है चिकन के अंदर, तो आप लोग ज़रूर डालें इसे। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी 1 टेबलस्पून के करीब ओरिगैनो डालेंगे। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें क्रश किया हुआ डाल देंगे इसके अंदर काली मिर्च, अगर आपके पास नहीं है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं, ओरिगैनो नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सभी को डालकर अच्छे से मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद हम इसे करीब रख देंगे मैरिनेट होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए, और इसे ढककर रख देंगे। तो चलिए इसको साइड करते हैं, और फिर टाइम यहाँ पे हमारा हो चुका है 10 से 15 मिनट। एक पैन लेंगे और इसमें हम डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून के करीब तेल डालेंगे, इसे हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें हम डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे इसके अंदर। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं आप सब इसे, पार्टी हो या फिर कोई भी ओकेशन में बना सकते हैं, बर्थडे हो या फिर कुछ भी आप बना सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप इसे बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। और जैसे कि देख रहे हैं चिकन को हम डाल देंगे पैन में और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तेल के अंदर, और फिर इसे हम पकने के लिए रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए। हम इसे ढककर रख देंगे क्योंकि चिकन है बहुत ही जल्दी गल जाता है, ये छोटा छोटा पीस है। तो जैसे कि देख रहे हैं टाइम हो गया है 5 से 6 मिनट हो गया है, और जैसे कि चेक करके देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेवी है इसके अंदर, तो इस टाइम पे हम डाल देंगे इसमें थोड़ी सी मैंने लिया है 1 टेबलस्पून के करीब मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तो ये मैं कलर के लिए डाल रही हूँ, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं या फिर डाल सकते हैं इसके अंदर, मैं सिर्फ नॉर्मल कलर के लिए सिर्फ डाल रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं थोड़ी सी ग्रेवी है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मिर्ची को, और इसके बाद अच्छे से इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हम अच्छे से इसको हम पानी को जो है वो सुखा लेंगे। तो इसके लिए थोड़ी सी 1-2 मिनट के लिए हम इसको ढक कर रख देंगे और अच्छे से पानी को सुखा लेंगे। चिकन तो है वो अच्छे से कुक हो चुका है, अच्छे से गल चुका है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है चिकन को गलने में। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर मैंने 2-3 मिनट के लिए ढक्कन लगा दिया था और अच्छे से ये पानी जो है वो सूख चुका है, जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से एकदम ड्राई हो गया है चिकन। तो इस टाइम पे हम गैस बंद कर देंगे और बस चिकन को हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए साइड रखेंगे। और मैंने यहाँ पे लिया है तोर्तीला लिया है, ये एक रोटी होती है और ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है रेडीमेड, और बहुत ही बढ़िया इसे रेसिपी बनता है। तो मैं इसमें लगाऊँगी पहले मेयोनीज लगाऊँगी, आप चाहें तो इस जगह पर टमाटर सॉस या फिर पिज़्ज़ा का सॉस भी आप इसमें लगा सकते हैं, अपने पसंद से कोई सा भी सॉस इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं मैंने मेयोनीज को अच्छे से लगा लिया है, अब इसमें हम डालेंगे हमने जो तैयार किया है चिकन, वो चिकन डाल देंगे इसके अंदर डालेंगे, और इसको डालकर एक साइड में हम डालेंगे और अच्छे से डालकर फैलाएँगे चिकन को। तो अच्छे से आप एक साइड में इसे चिकन को डालकर अच्छे से फैला लेंगे, तो ये बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है ये।
तो जैसे कि देख रहे हैं मैं यहाँ पे चिकन एक साइड में फैला ली हूँ और इस पर हम डालेंगे थोड़े से, मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी है, थोड़े से टमाटर और प्याज के मैंने इस तरह से सैलेड बना लिया है इस तरह से और मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे, क्योंकि ये हेल्दी भी होता है तो आप बच्चों को अच्छे से भर के आप इसमें दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे इसके साथ तो बहुत ही बढ़िया से खाते हैं, ऐसे खाए नहीं लेकिन इसके साथ बहुत ही अच्छे से खा जाते हैं सैलेड, तो इसके साथ आप उन्हें दे सकते हैं। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें, मैंने लिया है मोज़रेला चीज़, तो वो डालेंगे इसके ऊपर अच्छे से भरकर मोज़रेला चीज़। तो ये भी बच्चों को बहुत पसंद आती है, बड़ों को भी पसंद आती है, लेकिन अब इसमें डालेंगे हम उसके ऊपर से चीज़ डालेंगे और फिर चीज़ को अच्छे से डालने के बाद इसको हम अच्छे से फोल्ड कर देंगे। तो एक साइड में अच्छे से दबा कर हम इसे अच्छे से इस तरह से आप इसको फोल्ड कर लीजिए और बस ये रेडी है। हम इसे एक लेंगे ग्रिल पैन, और यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन लिया है, इसे हल्का सा गर्म करेंगे। आप चाहे तो नॉर्मल पैन में भी आप इसे गर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें हल्का सा डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब तेल डालेंगे, हल्का सा इसमें फैला लेंगे हम। और इसके बाद हम इसके अंदर हम डाल देंगे तोर्तीला, हम डाल देंगे इसके अंदर हमने जो तैयार किया है वो, और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे अच्छे से हम इसको लाल करके यानी क्रिस्पी करके हम इसको अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे। जैसे कि देखने बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, तो बस इसी तरह से हम दोनों तरफ अच्छे से इसको हम फ्राई करके अच्छे से, जैसे कि देख रहे हैं अच्छे से हम एकदम क्रिस्पी बनाएंगे। तो अंदर में चिकन हो और मिक्स वेज है, तो बहुत सारा सैलेड है इसके अंदर और चीज़ भी है, तो ये तो बच्चों को जाहिर सी बात है कि बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए और बहुत ही बढ़िया सा, जैसे कि देख रहे हैं अच्छे से मैंने यहाँ पे एकदम क्रिस्पी करके एकदम अच्छे से बना लिया है। अब इसको हम एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे, जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से चीज़ भी मेल्ट हो गया है। अब इसको हम लेंगे और इसको हम कट करके चेक करेंगे, जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी है ये। आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इसे बनाइए और गर्मा गर्म इसे इंजॉय करिए आप इस रेसिपी को, और पार्टी में तो बहुत ही मज़ेदार है पार्टी के लिए ये रेसिपी, तो ज़रूर ट्राई करिए। और जैसे कि देख सकते हैं एकदम गर्मा गर्म हमारा यहाँ पे एकदम तोर्तीला रेसिपी रेडी है, और एंजॉय करिए इसे। और इसके साथ कुछ सॉस की ज़रूरत भी नहीं है, आप बहुत ही बढ़िया सा बना सकते हैं। तो बाकी के भी मैंने तोर्तीला इसी तरह से रेसिपी बना लिया है, और देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पर अंदर एकदम मेल्ट हो रखा है चीज़ हमारा। और बस इस तरीके से बनाइए और इंजॉय करिए, आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। तो देर तो बिल्कुल भी मत करिए इसे बनाने के लिए। अगर आपके पास तोर्तीला नहीं है तो आप इसे नॉर्मल रोटी के साथ भी बनाकर खा सकते हैं, उसमें भी बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको। तो ट्राई करिए, एंजॉय करिए इस रेसिपी को, और ज़रूर से ज़रूर इसे एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कॉमेंट करिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।